नमस्कार दोस्तों, हमारी अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 24 मई है और आज MPPSC ने 5 से 6 नोटिस दोस्तों जारी किए हैं, न्यू अपडेट। उन सभी अपडेट को इस वीडियो में हम देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, एक अपडेट तो 2017 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उससे संबंधित है। इसकी दोस्तों वैकेंसी की जो डिटेल है रिवाइज जारी की गई है, यानी कि फिर से जो है वैकेंसी कैटेगरी वाइज अलग से कुछ ये अपडेट दिया गया है, इसको आप देख लें, ठीक है। दूसरा अपडेट दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो डेंटल सर्जन वाली जो वैकेंसी थी उसके फॉर्म दोस्तों फिर से शुरू हो रहे हैं, कल से शुरू होंगे और 3 जून तक ये फॉर्म जो है आपके चलेंगे। इसमें दोस्तों रोजगार पंजीयन जो है नहीं लगेगा, और लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश के ये साक्षात्कार के समय यदि मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हो तब उनका जो है रोजगार पंजीयन लगेगा। और फ्रेंड, इसमें EWS को भी आयु सीमा में छूट दी गई है, ठीक है। तो ये है दोस्तों अपडेट, ये डेंटल सर्जन। आगे चलते हैं दोस्तों, ये जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2021 और डेंटल सर्जन 2022 की जो परीक्षा थी उसकी एग्जाम डेट जारी कर दी है, 3 जुलाई को ये परीक्षा होगी। वहीं फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट यूनानी जो डॉक्टर हैं उनका ये इसके फॉर्म भी दोस्तों 28 मई से शुरू होंगे फिर से, और 6 जून तक इनके फॉर्म जो है आप भर सकते हो। इसमें भी वही दोस्तों रोजगार पंजीयन जरूरी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के कैंडिडेटों को रोजगार पंजीयन इंटरव्यू के टाइम पे जरूरी होगा। एक छूट भी दोस्तों EWS को दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों जो है होम्योपैथी डॉक्टर से संबंधित है, इसके भी फॉर्म 28 मई से शुरू होंगे, 6 जून तक चलेंगे। वही दोस्तों इसमें रोजगार पंजीयन जरूरी नहीं है, MP के कैंडिडेटों को केवल इंटरव्यू के टाइम पर रोजगार पंजीयन जरूरी रहेगा। EWS को इसमें जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं दोस्तों लास्ट अपडेट जो है आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं उनका, इसकी फॉर्म भी दोस्तों 28 मई से फिर से शुरू हो रहे हैं, 6 जून तक, और इसमें भी दोस्तों रोजगार पंजीयन से मुक्त रखा गया है। और MP के कैंडिडेट को केवल इंटरव्यू के टाइम पर रोजगार पंजीयन जरूरी रहेगा, और फ्रेंड आयु सीमा में भी छूट दी गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट थे जो मैंने आपको बताया।